डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SST एकेडमी लाइव बी टू कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस में। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कंपनी क्रिएशंस करना, एक्टिवेट GST करना और लेजर क्रिएशन करना। अब फ्रेंड्स चलते हैं वाउचर्स एंट्री करना। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रेंड्स कि गेटवे ऑफ डेली के अंदर आप अकाउंटिंग वाउचर्स होगी, आप डाउन एरो की के माध्यम से आप अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, प्रेस एंटर करेंगे। आप जब प्रेस एंटर करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वाउचर एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ डेली के राइट साइड में बटन बार्स है, उस बटन बार्स में जाकर आप डेट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि F2 है, यहाँ से हम लोग 17 को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग 17 इसलिए रहते हैं कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि 1/7/2017 को हमारा GST एक्टिवेट हुआ है, एनाबल हुआ है, लागू हुई है, इसलिए हम लोग GST नंबर 17 लेंगे और एंटर करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम ए अग्रवाल, अगर इसकी एंट्री करनी हो तो परचेस एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले F9 पे जाएंगे और परचेस करेंगे। तो F9 आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे परचेज अकाउंट खुल जाएगी। यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर आप उसे रहने दो, आगे के चैप्टर में पढ़ा जाएगा। डेट भी आप रहने दो। यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे पार्टी अकाउंट से, तो आपने परचेस देखेंगे कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए अग्रवाल ₹50,000 विद GST पेबल 18%। तो आपने किससे लिया? ए अग्रवाल। तो पार्टी अकाउंट नंबर ए अग्रवाल आप एक्सेप्ट कर लो। आपने परचेस लेजर्स किया तो परचेस आपने परचेस किया, यहाँ पे कुछ नहीं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देखोगे कि आपने जो परचेस किया परचेस और परचेस आपने कितने के किया, तो गुड्स 50,000। तो आप यहाँ पे 50,000 आप अमाउंट पे डालोगे। आप जैसे ही 50,000 अमाउंट पे डालोगे और एक प्रेस एंटर करोगे तो नेक्स्ट कॉलम में आप CGST दो। आप CGST जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो आप CGST चार्ज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर जा रहे हैं, और आप SGST सेलेक्ट कर रहे हो तो SGST चार्ज भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया जा रहा है। तो अभी देखेंगे कि हमने परचेस किया 15,000 का और GST चार्ज 4500 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 4500 स्टेट गवर्नमेंट का, 4500 पे किया। तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो गया? 59,000। इसे आप एक्सेप्ट कर लो। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि सोल्ड ऑफ गुड्स टू के अग्रवाल ₹80,000 GST रिसीवेबल 18%। तो फ्रेंड्स सेल एंट्री करने के लिए हम लोग F8 में जाएंगे या राइट साइड में बटन बार है, वहाँ पे सेल्स ऑप्शंस को चूज करेंगे और क्लिक पर करेंगे तो सेल्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी फ्रेंड। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट्स नेम, तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमने सेल्स किसको किया, तो सोल्ड ऑफ गुड्स टू के अग्रवाल, तो यहाँ से के अग्रवाल को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करके एंटर करेंगे और आप सेल्स अकाउंट सेल्स ऑफ लेजर सेल्स अकाउंट यहाँ पे आप सेल्स को सेलेक्ट करोगे। सेल्स आपने किया 80,000 का, तो आपने अमाउंट पे आप 80,000 यहाँ पे दे दो। नेक्स्ट इंटर आप करोगे यहाँ पे CGST और SGST। आप देखोगे कि CGST SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ पे। तो आपने 80,000 का सेल्स किया जिसमें 7,200 आपने CGST चार्ज हुआ और SGST 7,200 आपने CGST चार्ज हुआ। आप इसे एक्सेप्ट कर लो फ्रेंड्स। आप जब एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपने GST का डिटेल्स जानने के लिए आपको एस्केप की करके कैटेगरी ऑफ डेली पे आना होगा। डिस्प्ले के अंदर आप आओगे, डिस्प्ले के अंदर आने के बाद प्रेस एंटर करोगे और स्टेशनरी एंड रिपोर्ट्स पे आओगे और GST में आओगे फ्रेंड्स। GST आर ऑन सेल्स इनवॉइस देखने के लिए, GST आर टू परचेज इनवॉइस करने के लिए। तो सबसे पहले हम GST आर टू को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखेंगे कि B2B इनवॉइस यानी बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस में 50,000 सेल हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹4,500 टैक्स दिया गया, ₹4,500, स्टेट गवर्नमेंट को ₹4,500 का टैक्स दिया गया, टोटल टैक्स 9,000 का हुआ और इनवॉइस वैल्यू 50,000 था, इंक्लूड 59,000 इनवॉइस अमाउंट। और अब फ्रेंड्स देखोगे कि सेल्स में GST और नॉन सेल्स में काउंट नंबर 1 B2B इनवॉइस बिजनेस टू बिजनेस टैक्स वैल्यू 80,000 का आपका सामान था, सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹7,200 दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को ₹7,200 दिया गया, टोटल टैक्स अमाउंट पेमेंट 14,400, देन इनवॉइस अमाउंट 94,400।
तो फ्रेंड आपने देखा कि टेली के अंदर टेली क्रिएशंस करना, जीएसटी को एक्टिवेट करना, जीएसटी के लेजर या मास्टर को क्रिएट करना और भाउचर्स की एंट्री करना फुल्ली डिटेल्स के साथ। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना पसंद करेंगे हम उतना वीडियो को आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।